चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल ए बी सिंह वर्ल्ड पे। आज 28 फरवरी के करंट अफेयर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फ्रांस में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि फ्रांस में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो नियुक्त किया है जावेद अशरफ को। तो दोस्तों, आप ये नाम याद रखिएगा, जावेद अशरफ। अब चूँकि यहाँ बात फ्रांस की हो रही है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, और फ्रांस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है और फ्रांस में ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का भी मुख्यालय है। तो इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष अभ्यास, हाल ही में किन दो देशों के बीच इंद्रधनुष अभ्यास का आयोजन किया गया? तो किन दो देशों के बीच किया गया दोस्तों? तो इसमें से एक दोस्त भारत है और जो दूसरा देश है वह है ब्रिटेन। तो भारत और ब्रिटेन के बीच यह युद्धाभ्यास किया गया। दोस्तों, युद्धाभ्यास को बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि किन दो देशों के बीच युद्धाभ्यास हुआ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युद्धाभ्यास हुआ तो भारत और ब्रिटेन के बीच। अब चूंकि यहाँ बात हो रही है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के बारे में थोड़ी जानकारी रख लेते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, और ब्रिटेन की राजधानी लंदन हो गई, और ब्रिटेन के जो वर्तमान में पीएम है बोरिस जॉनसन है, और चूंकि हाँ ये बात हो रही है कि इंद्रधनुष ये युद्धाभ्यास कहाँ पर हुआ, तो यह इंद्रधनुष युद्धाभ्यास हिंडन एयरफोर्स जो उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में है, वहाँ पर यह युद्धाभ्यास किया गया। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। फॉर्च्यून की टॉप 20 कंपनी में हाल ही में भारत के किस कंपनी को शामिल किया गया? तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि फॉर्च्यून की टॉप ट्वेंटी कंपनी में भारत के किस कंपनी को शामिल किया गया। तो भारत के टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को इसमें शामिल किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कि सिकोरस्की रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से भारत आयात करेगा? सिकोरस्की रोमियो हेलीकॉप्टर दोस्तों अमेरिका देश ने भारत को देने की घोषणा की है। तो अमेरिका, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने भारत देश को ये सिकोरस्की रोमियो हेलीकॉप्टर देने की घोषणा की है। अब बात करते हैं अमेरिका, तो अमेरिका की वर्तमान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो 45वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है। और अमेरिका में जो भारत के राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधु, भारत के राजदूत हैं जो अमेरिका में नियुक्त हुए हैं तरनजीत सिंह संधु, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं G20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर की बैठक कहाँ आयोजित की जाए। तो G20 देशों के वित्त मंत्री व सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक रियाद में आयोजित की गई, रियाद। तो अब आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि यह बैठक कहाँ की गई G20 देशों की, तो रियाद में की गई। तो रियाद सऊदी अरब की राजधानी है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ के जो किंग हैं या राजा हैं, उनको है मोहम्मद बिन सलमान, तो इसको भी याद रखिएगा, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के किंग और सऊदी अरब की राजधानी रियाद। और दोस्तों एक बात और यहाँ पे है कि G20 देशों की 2022 का बैठक जो आयोजित होगा वो भारत में होगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा कि विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया। तो विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया।
विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया गया, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और आज आज की क्लास सिर्फ इतनी ही, तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमस्कार। और दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आज 28 तारीख है, तो आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो चलिए आज की क्लास सिर्फ इतनी ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।